ऐसा है कि हम सब लोग जो है इस बात पर हमें एक सेटिस्फेक्शन है कि इलेक्शंस जो है पूर्व अमन हुआ और इसमें वोटिंग वोटर्स की टर्नआउट जो है वो हाई रहा और ये एक अच्छी आगाज़ है और हम चाहेंगे कि इसका जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो आगे ये एक ट्रिगर करे एक सिक्योरिटी की एक वर्चुअस साइकिल को आगे लेने में, यानी कि पीछे की तरफ ना हो, ये आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारी बुनियादी तौर पे ये है कि अगर अमन रहेगी तभी इलेक्शंस हो पाएंगे, अगर डर नहीं रहेगा तभी लोग फ्रीली वोट कर पाएंगे, अगर खौफ नहीं रहेगा तो बंदा इलेक्शन में खड़ा होने का ज़रूरत करेगा, नहीं तो अगर खौफ रहेगा चाहे किसी भी साइड से, फिर आम आदमी जैसे आप हैं मैं हूँ, मतलब मैं अपने को इसीलिए कह रहा हूँ कि कल जब मैं वर्दी से बाहर चला जाऊँगा या कहीं जहाँ पे मैं यहाँ डीजी हूँ जहाँ नहीं हूँ वहाँ पे तो मैं एक आम नागरिक हूँ, कल अगर मैं ज़रूरत करूँगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूँ या वोट डालूँ तो उसके लिए एक बगैर खौफ वाली एक माहौल बननी चाहिए। उस माहौल को कैसे हम बरकरार रखना चाहेंगे उसके लिए हमें इस चीज़ की फिक्र है और हम उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें उस चीज़ को लेकर पत्थर भी पड़ते हैं, पर हमें इस चीज़ की एहसास है कि चीज़ों को दुरुस्त रखने के लिए, सड़क को शांत रखने के लिए, एक बेखौफ माहौल को बनाने के लिए हमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। सर, एनी मैसेज टू द मासेस एंड द पुलिस डाउन द लाइन्स? द मैसेज फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर बी ऑफ व्हिच एवर रैंक ही इज ऑलवेज दिस दैट प्लीज एक्सेप्ट दिस वी हैव टू बी टफ अगेंस्ट सम पीपल। पुलिस बाय डेफिनेशन इज लॉ एनफोर्समेंट। आप मेरे से आज इस वक्त बात कर सकते हैं क्योंकि आपको पथराव नहीं था, आप आए मेरे पास, टाइमली आप आए। आप जब जाएंगे आपको उम्मीद रहेगी कि आप घर में पहुंचेंगे, बीच में आपको खलल नहीं पड़ेगी, आप किसी तरीके के परेशानी में नहीं आएंगे, अचानक कहीं किस जगह पे फंसेंगे नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, मारे, तो उस माहौल को बनाने के लिए हमको कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है सर। और वो कार्रवाई जब हम करते हैं, हम इस बात का भी ऐसा कि हम ट्रैफिक एक्सीडेंट को मर्डर नहीं बनाना चाहते हैं, जिसका जो गुनाह बनता है उसी गुनाह के हिसाब से हम चलना चाहते हैं, पर हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होने के नाते लॉ को तो एनफोर्स करेंगे ही, तो इसमें हमें मदद चाहिए, इसमें लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए और लोगों का पूरा सपोर्ट मिल भी रहा है हमें, इस बात का भी हमें एहसास है जी। सर, रिसेंटली टॉप कमांडर एलईटी का यहाँ मारा गया पुलवामा में, तो अब क्या है मिलिटेंसी का ग्राफ क्या है एक्चुअल इन कश्मीर खासकर? ऐसा है, मैं कहीं और एक जगह पे मैंने ये बताया कि हम एक टेररिज्म जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो, तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई की, भाई जो है या बेटा या खामत जो है इसमें शामिल ना हो, इसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं, तब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है, जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी की घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है, अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहाँ से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए, जब आते हैं वहाँ से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक के खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपका बिजली को, आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है, तो वहाँ से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं, आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहाँ आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने के लिए।
ताकि बाकी लोग बचे रहे। 100 में से एक आदमी को हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम मजबूर हैं, ताकि 99 लोग शांति में रहें, अमन में रहें, खुशहाली में रहें, तरक्की करें।